नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ वंदना कादियान। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुबह की ताजा हेडलाइंस के साथ। हरियाणा में ब्लैक फंगस के कुल मामलों की संख्या पहुंची 623 पर। राहत के बाद प्रदेश में 50 दिन बाद कोरोना के सबसे कम मामले आए सामने। प्रदेश के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए अब 75-75 बेड होंगे आरक्षित। टॉक शो में मायावती के बारे में आपत्तिजनक चुटकुला सुनाने पर रणदीप हुड्डा के खिलाफ केस दर्ज करने की एसपी को दी गई शिकायत। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कोरोना की दूसरी लहर में हरियाणा सरकार की पिछले 1.5 महीने की घोषणाओं पर उठाए सवाल। शैलजा ने कहा, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और टीकाकरण को गति नहीं दे रही सरकार। पानीपत में कोरोना के नए केसों में लगातार आ रही कमी, रिकवरी दर में हुई वृद्धि। 82 नए संक्रमित मामले आए सामने, वही राहत के बाद 318 लोगों ने एक दिन में दी कोरोना को मात। जीटी रोड स्थित आकाश इंस्टीट्यूट का शटर उखाड़कर डिजिटल लॉकर, 10,000 रुपए समेत अन्य सामान हुआ चोरी। शहर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की शुरू। दीनानाथ कॉलोनी में कबीरपंथी धर्मशाला में चल रही थी शादी, दूसरी जगह शादी करने की रंजिश में डोली उठते ही आरोपियों ने दिया वारदात को अंजाम। हमले में परिवार के 3 सदस्य हुए घायल। किला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की शुरू। केंद्रीय महाविद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं को लेकर बना संशय बरकरार। जिले में ब्लैक फंगस के पिछले 7 दिन में मिल चुके 30 संदिग्ध, सभी को खानपुर मेडिकल कॉलेज किया जा चुका रेफर। जिला पुलिस ने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने, बगैर मास्क के घूमने वाले 149 लोगों के काटे चालान, 74,500 रुपए का जुर्माना किया वसूल। जल्द अमीर बनने के चक्कर में 4 दोस्तों ने बाइक चुराना किया शुरू, CIA2 ने 4 दोस्तों को किया गिरफ्तार। चोरी की गई 13 बाइक की गई बरामद। सुबह के इस ताजा अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।